बलिहारे के सहारे की जय। अब तो बढ़िया क्या ब्राह्मण का सारे बाबा के भगवान ओए श्याम प्यारे की जय। हालांकि ये बात मैंने कोई क्रिटिसाइज के लिए नहीं कही है, कन्हैया भैया ने कोई बनिया जो कि बाबा को नहीं जानता था, अपनी मस्ती में रहता था, उसे शाम क्या है पता नहीं था, जिंदगी कट रही थी। उसके यार दोस्त उसे एक बार ले गए खाटू, ऊपर शांति बनाकर ऊपर, भैया यार दोस्तों ने मिलकर बनिए को हाथ पकड़कर खाटू ले गए। बढ़िया पहले अपने मस्त था, लेकिन श्याम के दरबार में जाकर आया वो मस्त हो गया। तब शायद उसने ये कह दिया होगा कि बाबा ये बढ़िया का छोरा बाबा गिरा होगा। इस यात्रा के अंदर में मैंने बामण बढ़िया जाट जितनी भी हिंदुस्तान की जातियां हैं, गांव गांव से निकली यात्रा, जंगलों से निकली और सारी जातियां आकर रथ को छूकर प्रणाम करके गए। और क्या बोलूं मैं, तीन चार दिन पहले कुछ मुस्लिम महिलाएं भी आई, उन्होंने भी रथ को छूकर प्रणाम किया बाबा। ये बाबा सिर्फ जातियों में नहीं बटा है, इसके दरबार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गया उस पर बाबा ने अपनी कृपा का हाथ रख दिया और वही इसका मूल्य है। सच्चाई बताऊं कल एक प्रेमी जिसको कल के दिन यात्रा में शामिल होना था, दर्शन करने आने वाले थे, वो इनफैक्ट 27-28 तारीख को दर्शन करने आने वाले थे। कई फोन आए मेरे पास कि हम इस दिन आएंगे, कहां पर होगे? दो दिन निकल गए वो नहीं आए, तो मुझे चिंता हुई कि वो लोग आए नहीं, मोबाइल यात्रा में अपने पास रखते नहीं, कई उन्होंने बेचारे ने फोन किया होगा और मैं फोन नहीं उठा पाया होगा। कल फोन आया बिलखते बिलखते कि जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, चार चार डॉक्टरों ने,
पता नहीं हमसे कोई गलती हो गई, हमारे बच्चों से गलती हो गई, इसलिए शायद बाबा के दरबार में आने वाले थे और हम कलकत्ता में ही अटक गए। जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी इसका भी नहीं पता। प्रेमियों, उनके दर्द को सुनकर आंखें छलक गई कि बाबा तेरे दरबार में ऐसा नहीं हो सकता। तेरे पास आने वाला प्रेमी जो ये आस लगाकर बैठा है कि 4 दिन बाद मुझे तेरे पास जाना है, और वो अस्पताल में अगर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तो वो आ पाए ना आ पाए तुझे वहां जरूर जाना पड़ेगा बाबा। यहां पर आया और उनके बच्चे का टेलीफोन आया कि जिस चीज का चारों डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आज सुबह डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया और वो ट्रीटमेंट सफल हो गया। मेरे बच्चों से गलती हो गई, क्षमा कर देना, क्षमा कर देता है। आइए, शायद ये अरदास लगाई हो उन प्रेमियों ने।
मौज में हो तब पुला पुकारो ना इसको। दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा, जाएगा नहीं, संकट आएगा नहीं। संकट आएगा और तब बुलाओगे, आएगा तो तब भी, आएगा तब भी, लेकिन उस आने में और रहने में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए जयकार कभी भी बोली जाए दिल से बोलो। आप सिर्फ जय बोलते हो और ये जय इनके कानों में पड़ जाती है, रखता नहीं है। कहीं कोई बाजी हार रहे होते हो, उस बाजी को इस जय के बदले विजय में बदल देता है। लाखों की परचेजिंग होती है तब जाकर कोई हजार दो हजार का गिफ्ट दे देते हैं। इसके दरबार में एक भजन सुनाओ, इतने पॉइंट जमा कर लेता, इतने पॉइंट, 100 पॉइंट जमा किया, लेकिन आप संकट में हो, चाहिए 10,000 पॉइंट का काम 100 में काम बना देता है। जो नहीं समझेगा मैं उसकी बुद्धि पर क्या करूं, लेकिन जो समझ जाएगा, तालियां नहीं भी बजाओगे लेकिन अंतरात्मा से भजन सुनाओगे तो मैं नहीं सुनूंगा, बाबा सुनेगा। और 1 महीना की गारंटी देता हूं मैं, 1 महीने घर में रोज 1 भजन कर लिया करो, खाना बनाते समय कर लिया करो, ऑफिस में खाली बैठे हो, लोग बोलते ना धंधों को नहीं, काम को नहीं, व्यापारी को नहीं, मैं गारंटी दूं 1 महीने की। आज 2 तारीख है, 2 मार्च है, और 1 अप्रैल तक अपनी ऑफिस के अंदर में 1 भजन पुस्तिका रख लो। जब कोई व्यापारी नहीं आए तब बाबा को 1 भजन सुना देना। जो व्यापारी आने वाला है वो महीने में 1 आएगा, 10-20-50,000 लाख 2 लाख का सौदा करके जाएगा। 1 भजन सुना दोगे ना पूरे 1 साल का घर का खर्चा निकाल जाएगा। 1 महीना करके देख लो, आपको 1 महीने में अपनी बैलेंस शीट पता चल जाएगी। और आप 1 महीना रोज खाना बनाते समय सीडी लगा दो किसी भी भजन की, सीडी बजती रहे और आप खाना बनाते रहो, भजन के साथ साथ उस भजन को गुनगुनाते रहो। जैसे कर्मा भाई के आए ना खिचड़ खाने के लिए, आपके घर में भी भोग लगाने के लिए जरूर आते हैं। ये वादा करके जाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको। अब अगर भजन नहीं गाओगे फिर बाबा भी सोचेगा इनका कुछ नहीं हो सकता। आइए मिलकर कहें, मैं हूं तुम्हारा तुम हो हमारे। बोलो बोलो, मैं हूं तुम्हारा तुम हो हमारे। मैं कैसे गाने लगा मुझे आज भी स्केल नहीं पता है। ये साथ वाले बैठे, आज भी सारे गामा नहीं आता मुझे, आज भी जो संगीत की जो पहली क्लास है ना मेजर माइनर, वो आज भी मुझे नहीं मालूम। ये देखो लिखा है इसमें मेजर,
ये पढ़ के बता देता हूं। पता है कैसे गाना शुरू किया? हाँ, गाने का शौक था। एक कमरे में बाथरूम था, उस समय कैसेट चलती थी। माँ गई थी खाटू श्याम जी, 35 साल पहले। खाटू श्याम जी हमारे साथ पीढ़ियों में कोई नहीं जानता था। छोटे भाई का जड़ूला उतरवाने के लिए देश गई थी, वहां से सारे तीर्थ करते हुए खाटू जी गई। एक कैसेट ले आई, मुझे अच्छी लगी, मैंने कमरे के अंदर में कैसेट लगा दी। और जब नहाता था तो बाहर लखा जी कैसेट में गाते थे, अंदर में बाथरूम में चिल्ला चिल्ला कर गाता था और गायक बन गया। जिंदगी बना दी बाबा। जिसके पास कभी एक माला खरीदने के 5 रुपए नहीं थे, आपने बाबा की कृपा से मालाओं से ला दिया। इससे बड़ी कृपा क्या है? ये सिर्फ मुझ पर नहीं, सब पर हो सकती है, सच्चा हो सकती है, लेकिन सिर्फ भजन करना पड़ेगा। किसी भी तरह से निभाने की कोशिश करना गारंटी नहीं है कि मान जाएगा। बड़ा से बड़ा पापी भी अगर भजन सुनाएगा, मानना पड़ेगा इसको। अब बताओ कौन कौन मनाएगा, बताओ। आइए सब मिलकर बोलना, बड़ी प्यारी बात है, मैं हूं तुम्हारा और तुम हो। आइए, मैं हूं तुम्हारा, तुम हो हमारे, मैं हूं तुम्हारा, तुम हो हमारे। तुम सारे प्यारा कोई, तुम Hey!
Yeah.
आपके दोसा में दो चीज बड़ी प्यारी लगी मुझे। एक तो हिंदुस्तान का पहला ऐसा मंदिर जिसमें बाबा ने इस चीज के दिल में बाबा के दिल में पहला दिया। अभी तक जितने मंदिर में बाबा ने मुझे बुलाया कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि बाबा के दिल में कन्हैया गया। और आपके दौसा शहर का हमारा भाई आलोक जो कि मुंबई रहता है लेकिन श्याम जगत में आज मोहित के नाम से आलोक भाई ने इतने भजन लिखे हैं कि हिंदुस्तान का हर भजन गायक इनकी रचनाओं को गाता है और इनकी बहुत सी रचनाएं मुझ पर कृपा करी इन्होंने। एक बार आलोक भी अच्छा मुझ पर भी बहुत कृपा करी आलोक जी ने जो मुझे बहुत से भजन मैंने भी बाबा की कृपा से और इनके प्यार से गाया है। उसमें दो भजन मेरे दिल के जो बहुत करीब है अगर आप साथ गाओ तो गाऊंगा। दो भजन सुनाता हूं उसके बाद आखिर में एक पुकार सुनाऊंगा जो डायरेक्ट बाबा को सुनेगी और क्या पता उस पुकार में किसी का काम बन जाए। आज यात्रा चले हैं ना हम लोग एक ही मकसद है। मुझे नहीं मालूम दुनिया क्या जानती है दुनिया क्या कहती है ये किसकी बाइक है भाई गाड़ी बाइक नहीं गाड़ी है। एक ही मकसद लेकर निकले कि बाबा जहां जहां आप जहां जहां से आप निकलो एम्बुलेंस बाजरी जिस जिसने आपके दर्शन किए जिस जिसने आपके दरबार में धूप लगाई उन सबका काम बनाते हुए चलना। जहां जहां कीर्तन हो अखाड़ा लगे सबकी अर्जी सुन लेना हो। इसलिए आखिर में वो पुकार लेकिन उसके पहले दो भजन आइए। ओ भैया हेलो ऐसा एक बार हुआ खाटू में मित्र मंडल में कीर्तन हो रहा था और उस दिन मुझे बहुत समय मिला 2 घंटा कीर्तन चला उस दिन और कीर्तन शुरू करते ही बीच भीड़ में से कोई आदमी उठ गया उठ रहा था। मैंने उसको बैठ जा वो बेचारा बैठ गया 2 घंटे बैठा रहा। अच्छा रेगुलर उसको देखता था बाद में वो मिला भाई साहब आजकल आप आते नहीं कीर्तन में बोले भाई साहब कीर्तन कोई नहीं छोड़ता लेकिन बैठता नहीं मैं दूर खड़ा रहता हूँ क्योंकि उस दिन जो मुसीबत बनी थी इसके आगे तो कोई कुछ कह नहीं सकता। सच्चाई है अभाव सुनो काम क्यों ये बातें मेरे नौजवान भाइयों के लिए हैं। मुझे फक्र है कि हमारा नौजवान ग्रुप बाबा के पीछे पागल है। इसका कारण पता है क्या इसका कारण यह है
एक बार इनसे मिलते हैं और बाबा उनको पकड़ लेता है, मजा आने लगता है ना। हमारे मोहित भाई के क्या भाव है। एक प्रेमी आया बाबा के दरबार में, कहा बाबा मैं ना भूलूंगा, ने कहा था किसको? जीनत अमान को। लेकिन कई पिक्चरों के गानों में एक आध लाइन ऐसी होती है कि उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वो ठाकुर के ऊपर भी सटीक बैठती है। इसलिए मोहित भैया ने ये लाइन रखी उसमें कि बाबा मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, क्या नहीं भूलूंगा, श्याम की कृपा, श्याम की रहमत, श्याम की कृपा, श्याम की रहमत, श्याम के उपकारों को, अरे श्याम की कृपा, श्याम की रहमत, श्याम के उपकारों को, अरे मैं कैसे भूल जाऊं, सुनो सुनो कैसे भूल जाऊं इसको। सेठ की नौकरी, एक सेठ का काम करता था। उस समय बाबा नहीं मिला था, हालात बहुत खराब थे, वो करोड़ों की माया थी उसके पास। मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी दूसरे के कहने पर मुझे कह दिया, तुम जैसे छोटे लोगों को उंगली पकड़ाओ, पूरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस दिन गरीब जरूर था लेकिन स्वाभिमानी था, भले ही रूखी रोटी खाकर सोते थे लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। आज उन्होंने कई बार कहा कि कभी हमारे शहर में आओ तो मिलने तो आया करो। कैसे बोलू बाबा, जिसको एक जोड़ी कपड़ा सिलवाने के लिए दिवाली का इंतजार करना पड़ता था कि मेरे पिताजी दिवाली पर कपड़ा दिलाएंगे, आज चलते फिरते 20-30-50 जोड़ी, 100 जोड़ी भी खरीद ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा जी के पास। जिसको देखते ही लोग अपना रास्ता बदल देते थे कि कहीं कुछ मांग ना ले, आज वो देखकर कैमरे खोल लेते कि सेल्फी ले लो, सेल्फी ले लो। बताओ भूल सकते श्याम की कृपा, श्याम की रहमत, श्याम के उपकार। जिस दिन इसको सब कुछ मानने लग जाओगे ना, उस दिन दुनिया में कीमती बना देगा, इतना कीमती कि कोई कीमत नहीं लगा पाएगा। पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे, शर्म मत करना और मिलकर जोरदार आवाज में बोलना, मैं ना भूलूंगा, what the
Thank you.
जिसने कभी गवर्नमेंट का काम नहीं किया, अचानक मजाक मजाक में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा टेंडर, अपनी आवाज से हजारों से ज्यादा भर दिया हंसी मजाक में और घर को चला गया। 500 लोगों ने टेंडर भरा, घर को जाकर आया कॉल आ गया आपका टेंडर पास। Thank you.
जिस दिन 25 साल का बन जाओगे
जिस दिन ये लगेगा आपको कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, छोड़ देगा, दूसरे को पकड़ लेगा, अभी अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मुझे तो उसको पकड़ना है जिसका चिंता करने वाला कोई नहीं। शाम दरबार में बच्चे बन कर रहो फ्रेंड, अरे अपनी चिंता खुद कर लोगे तो फिर ये क्या करेगा बताओ। आपको कितना पता है मालूम है? आपको तो उतना ही पता कि आपका पीछा कितना बीता है, कैसा बीता है, प्रभु प्रेजेंट में वर्तमान क्या है, कल क्या होगा आपको नहीं पता है ना? है किसी को पता? कल छोड़ो 30 सेकंड बाद क्या होगा किसी को पता है? 30 सेकंड छोड़ो अगली पलक झपकेगी कि नहीं झपकेगी पता है? नहीं पता है भाई साहब। ओ भाई साहब हेलो, लेकिन इनको आपका कल पता है, आपका कल क्या होगा। यहां बैठकर चिंता मत करो, नहीं मन लग रहा है उठ के चले जाओ, यहां बैठकर सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखो कि आप मेरे पिता हो और मैं आपका छोटा सा बालक हूं। इसको भजन सुनाओ, उंगली पकड़कर घर छोड़कर आएगा और दरवाजे पर एक बहुत प्यारी रचना। मैं इसलिए नहीं गा रहा कि मैं मोहित भैया के शहर में आया हूं, चूंकि इनकी रचना मैंने बाबा ने गवाई है और ये सामने है और बाबा के चरणों में अरदास लगानी, न जाने इस भजन से आज किसका काम बन गया। हर कीर्तन में काम बनता है, अब वो खुश नसीब कौन होगा या नहीं पता। आइए, एक बिल्कुल टूटा हारा मारा लूटा हुआ जिसका सब कुछ खत्म हो गया था, वो दरबार में आकर चित्कार लगाता है बाबा की, मतलब के
तुम्हें भेंट चढ़ा दे Yeah.
कभी आकर को बाबा चला रहा है, जिसने सेवा करके है ना उनका परिवार बाबा चलाएगा, बस इतना मालूम है। Thank you.
नेम प्लेट को तोड़ दो, हटा दो, सिर्फ एक चीज लिखवा दो,
मेरी पहचान मेरा खाटू वाला, मकान का नंबर नीचे लिख सकते हो, एड्रेस लिख सकते हो, ताकि चिट्ठी डालने वाला है फ्लैट नंबर लिख लेना, लेकिन अपना अपने पिताजी का अपने दादाजी का कहीं से कहीं कोई नाम मत लिखना। कई लोग जय श्री श्याम लिख देते हैं, जय श्री श्याम ये तो करोड़ों लोगों के घर के बाहर मिलेगा, सब लोग जो आते हैं स्टिकर उठाकर ले आए फॉर्मेलिटी के तौर पर, लेकिन मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम आपके घर के बाहर लगा होगा ना, कोई श्याम का प्रेमी जो श्याम को नहीं भी जानता होगा वो आपके घर के बाहर से निकलेगा और आपके बाहर प्लेट में लिखा देखेगा ना, वो रुक जाएगा एक मिनट के लिए, ये क्या लिखा है, इस फ्लैट में एड्रेस लिखा है लेकिन मालिक का नाम मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम, वो अगर 10 सेकंड रुक गया उसके मुंह से श्याम का नाम निकल गया उसको 5% मिलेगा, उसका 95%। अगर सचमुच में आपने जो कमाया श्याम की कृपा से कमाया तो कल के कल ये काम करके देखना और फिर देखना कितनी ही मंदी आ जाए, कितना ही तूफान आ जाए, कितनी ही दुनिया उथल पुथल हो जाए, आपके दरवाजे पर उस स्लोगन की लाज रखने के लिए 24 घंटा कोई मत चाहिएगा, 5 मिनट बाद आरती होगी, लेकिन उसके पहले आज जो दौसा के श्याम भक्तों ने आज जो बाबा के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए 2.5 किलोमीटर की ऐसी निशान यात्रा, 62वां दिन है शायद आज, नहीं 64वां, दो तारीख हाँ 62 फरवरी के घट गए, 62nd डे है आज, और आज जो निशान लहराते हुए दिखे दाएं बाएं, क्या बोलूं, शहर के अंदर शायद 4-4.5 किलोमीटर आए लेकिन पता ही नहीं चला, लगा 4 मिनट के अंदर 4.5 किलोमीटर निशान लहरा रहे थे, माताएं बहने भाई लोग चारों तरफ से भजन बज रहे थे और गाड़ी ऐसे दौड़ रही थी जैसे बाबा एकदम तैयार है, मचल रहा है कि बाबा मैं भी जल्दी से मंदिर में जाऊं। आप दौसा के शाम में राजेश जी ठाकुरिया और आप समस्त दौसा वालों के प्रयास के कारण आज बाबा का ये आगमन हुआ, आप लोगों ने जो बाबा के लिए पलक पावड़े बिछाए, श्री श्याम कला भवन थैंक्स नहीं बोलेगा, थैंक्स बोलकर आपके भावों को कम नहीं करूंगा, लेकिन मैं मामा जी से निवेदन करूंगा, राजेश जी से एक बार खड़े हुए हैं, और श्री श्याम कला भवन की तरफ से मैं निवेदन करूंगा सुरेश जी संधनिया जी से कि वो कृपया राजेश जी को बाबा का एक शॉल और बाबा का एक कला भवन का प्रतीक चिन्ह प्रदान करके, कोई जाइएगा मत क्योंकि अभी बाबा की आरती होगी गाजे बाजे से, एक मिनट अभी मेरा मौका है, मेरे बाद आपका हाँ एक बात, सारे लोग ये सारे एक जैकेट वाले सारे सामूहिक प्रयास है सारे, और कोई मत उठना, और कोई मत उठना, अरे जल्दी आ जाए जल्दी जल्दी सुरेश जी जल्दी से, और कदम लेना देखा और आइए मैं आलोक भैया से निवेदन करूंगा कि वो भी एक बार दरबार में आए, और मैं परम आदरणीय पुरुषोत्तम जी से निवेदन करूंगा, हमारे कला भवन की नींव की ईंट है, खाटू भी रास्ते हैं, भक्तों के लिए अपना जीवन समर्पण कर रखा है, खाटू में रहकर कोई भी अगर कष्ट में हो टेलीफोन करता है कि बाबा की अर्जी लगानी है तो बाबा के भक्तों की अर्जी लगाते हैं,
श्री आलोक भैया का स्वागत। सभी बैठ जाइए। देखिए परीक्षा दे दी, रिजल्ट लेकर नहीं जाओगे। 5 मिनट में क्या जाएगा? बाबा की आरती नहीं करके जाओगे? आरती करके जाओ, धूमधाम से करेंगे आरती, गाजे बाजे के साथ आरती करेंगे। सब बैठ जाओ, बाकी आपकी मर्जी है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आदरणीय पुरुषोत्तम जी से निवेदन कि शॉल उठाकर और बाबा का एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। आइए अब आरती करेंगे बाबा की। राजेश अच्छा, सभी दौसा नगर वासियों की ओर से, श्री श्याम अर्चना सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से, कोलकाता से आए हुए सभी प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, और हमारे संजय जी भैया का जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार आते रहेंगे। वैसे तो आ ही चुके हैं लेकिन आते रहेंगे, हम पे आशीर्वाद इसी तरह प्रेम बनाए रखेंगे, इसी विश्वास के साथ। हमारे भैया मोहित के चाचा जी हैं, आ जाए। संजय जी का शॉल पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर, बाबा श्याम का कृपा चिन्ह देकर बाबा का अभिनंदन स्वागत। और हमारे मध्य जोरदार तालियों से स्वागत। और बाबा श्याम का ये कृपा चिन्ह, जिनके हृदय में कन्हैया विराजित हैं, ये खूबसूरत प्रतिमा बाबा श्याम की आस्था आपको सादर समर्पित। और इस अवसर पर मैं परम श्रद्धे श्री पुरुषोत्तम जी से आग्रह करूंगा, वे आए। ये वो हस्ती है जो खाटू धाम में विराजित है, बाबा श्याम के बड़ी नजदीक है, और कोलकाता जाकर वहां से पैदल आपके नेतृत्व में ये श्याम प्रेमी संत आए हैं, श्री परम सम्मान्य श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा। हमारे महेश जी आ जाए, राजू जी आ जाए, श्याम जी रामगढ़ आ जाए, हमारे सभी प्रेमी आ जाए। ओम जी, सुरेश जी, बाबा श्याम का कृपा चिन्ह। सभी बैठ जाए, आरती बैठ गई। की जय। और इस पद यात्रा के जो संचालन कर रहे हैं राजीव जी काबरा और मोतीलाल जी, आप भी आ जाए, आपका भी स्वागत अभिनंदन। शोभा और बाबा श्याम का कृपा चिन्ह, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राजीव जी काबरा आजिए, अरे आजिए बाबू जी शहरा आ जाए, राजू जी अंग्रेजी आ जाए। मनोज जी आ जाए, राजेश जी आ जाए, राजेश जी मारी मनोज भवान, अजय शर्मा भैया आ जाओ। इसी क्रम में मोतीलाल जी का सुरेश जी आ जाओ, भैया गोवर्धन भैया आ जाओ, अंकुर आ जाओ,
और सभी पदयात्रियों का स्वागत सम्मान। समय का ध्यान रखते हुए हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं। प्रातःकालीन मेला में सभी हमारे श्याम प्रेमी जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं सभी आएंगे और इन्हें बाबा की आरती करवाएंगे, बाबा का श्रृंगार करवाएंगे, इन्हें विदा करेंगे। आइए बाबा श्याम की आरती। बैठ के आरती करेंगे बाबा की। Thank you.
मैं तो पसर पसर खावा दो शाम।